हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका टॉपिक चल रहा है इस समय बुक का, गोल्डन रेज का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर सेकंड ऑन वायलेंस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था, आज भी कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छी आएंगी जिनको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया, वायलेंस हिंसा, बाहरी जो चीज़ हम दिख रहे हैं, जो हमें आंखों से दिख रही हैं सभी चीज़ें, वो हिंसा की कैटेगरी में वो तो आती ही आती हैं, लेकिन इंटरनल जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू चैप्टर हिंसा की कैटेगरी में आ जाती हैं। किस तरीके से आती हैं, क्या होता है, आप देखेंगे। यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ध्यान से सुनना कि इसके पीछे राइटर क्या लॉजिक दे रहा है, क्या वो आपको बताने वाला है। तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी बुक को देखें जरा, और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। देयर इज वायलेंस, हिंसा है बिटवीन हस्बैंड, किस किस के बीच में हिंसा होती है, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। समझना ध्यान से कि देयर इज वायलेंस, हिंसा होती है, एंटागोनिज्म, अब ये सब कुछ होता है, जब परिवार में ये सब कुछ होता है तो फिर क्या होता है, ये आपको समझना है कि परिवार में जब ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो देयर इज वायलेंस, हिंसा होती है, एंटागोनिज्म, आपस में विरोधाभाव हो जाता है, विरोधाभाव बोलते हैं इसको, एंटागोनिज्म को विरोधाभाव हो जाता है, हेट, नफरत हो जाती है, क्रुएलिटी, क्रूरता आ जाती है, अगली क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना करना शुरू कर देता है इंसान, एंगर और क्रोध करना शुरू कर देता है। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये सभी चीज़ें इंसान में जन्मजात होती हैं, ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसके लिए राइटर कह रहा है कि ये चीज़ें इंसान के अंदर जन्मजात होती हैं, इनहेरेंट का मतलब जन्मजात होती हैं, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये चीज़ें हर मानव जो प्राणी है उसके अंदर ये सभी चीज़ें जन्मजात होती हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा सा जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, काफ़ी लिटरेचर्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, तो एक चीज़ तो मैं भी जो मेरी ओपिनियन है अपनी पर्सनल, वो ये कहती है कि ठीक है, ये इनहेरेंट है, लेकिन जब यदि हम इसको देखें बहुत ही डीपली सेंस में अपन इसको देखते हैं, तो एक बात बताइए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या वो नफरत या हिंसा जानता है क्या? वो नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर केवल ईश्वर जब उसको भेजता है दुनिया में तो केवल और केवल इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह दे के भेजता है। लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया में आता है, ये आगे आएगा आपके में, जैसे जैसे वो दुनिया में आता है तो उसको हिंसा, नफरत, क्रूरता, ये जितनी भी चीज़ें आई हैं, एंटागोनिज्म, ये चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है परिवार में, दूसरों को सुन सुन के बोलना शुरू कर देता है, वो सुनता है उनको, रीड करता है और अपने दिमाग में उनको फीड करके वापस उनको बोलना शुरू कर देता है। यदि परिवार में कहीं हिंसा की बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है, किसी के प्रति कोई बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की बात हो रही है, तो वो बच्चा सुनेगा और सुनने के बाद वो चीज़ें उसके अंदर चली जाएंगी और उसके बाद वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब, इंसान जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो इमोशंस और फीलिंग्स लेके पैदा होता है, नफरत, हिंसा, क्रूरता, ये सभी चीज़ें, विरोधाभाव, ये सभी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। इनहेरेंट का मतलब है यहाँ पर जन्मजात मेरी ओपिनियन जो कहती है, आप इसको समझें अपने तरीके से, जो एक नई चीज़ आपको मिलेगी जैसे आप थोड़ा सा अंतर करेंगे कि इनहेरेंट क्यों लिखा है राइटर ने। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, शुरू से ही, जब वो पैदा होता है तब नहीं होती उसके अंदर, लेकिन जन्मजात का मतलब है जैसे ही जन्म होता है उसके बाद, जब वो जैसे से बड़ा होता है तो वो देख देख कर इन सब चीज़ों को सीख जाता है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, और ख़ास बात ये, कोई भी इंसान इससे बच नहीं पाता, हर मानव प्राणी के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में आता है, वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, तो वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ये लाइन्स आपकी आगे आएंगी तो आप सुनना ज़रा ध्यान से, इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये आपके अंदर भी है। वो कह रहा है कि आप यूँ सोचना कि आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं
या कोई सुन रहा है या जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके अंदर है, इट इज इनहेरेंट इन यू एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू। लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षा होती है टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। शिक्षा से क्या हो सकता है, शिक्षा से आप इन सब चीज़ों से दूर जा सकते हैं। गो बियॉन्ड दैट का मतलब है इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। कब? एंड एजुकेशन इज सपोज, ऐसा माना जाता है कि शिक्षा मदद कर सकती है यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इन सब चीज़ों से परे जाने में, दूर जाने में शिक्षा आपकी मदद कर सकती है। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब, शिक्षा मदद करती है, शिक्षा इसके लिए नहीं है कि नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन कि आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली एंड गेट अ जॉब और आपको कोई नौकरी मिल गई, यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है कि आप शिक्षित होने के बाद इन सब चीज़ों से जो इसमें आई हैं सभी चीज़ें, इनसे यदि आप बच जाएं शिक्षित होने के बाद, इन चीज़ों को आप अपने मन से निकालें, तब वास्तव में वही एक शिक्षा होती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। हैव टू बी, यू हैव टू बी, टू बी, हैव टू, हैज टू, कंपल्सन, आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटिफुल हेल्दी सेन रेशनल ह्यूमन बींग, आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। आप सुनना, शिक्षित व्यक्ति में और अशिक्षित व्यक्ति में, इलिटरेट और इलिटरेट व्यक्ति में क्या अंतर होता है उसको आप ज़रा ध्यान से सुनना कि राइटर ने कितनी बढ़िया बात करने की कोशिश की है हमसे। वो कहता है कि यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट, ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटिफुल, ताकि आप वास्तव में एक सुंदर, हेल्दी, एक स्वस्थ, सुंदर, स्वस्थ, सेन का मतलब होता है सामान्य, स्वस्थ, आपका जो दिमाग होता है यानी सामान्य और स्वस्थ दिमाग रखने वाले आप इंसान बन जाएंगे, रेशनल ह्यूमन बींग, और आप एक विवेकी इंसान बन जाएंगे। विवेक का मतलब होता है जो दिमाग से काम लेने वाला होता है उसको बोलते हैं रेशनल ह्यूमन बींग। तो आप वास्तव में आप गलत और सही में फ़र्क करना सीख जाएंगे। फाइनली कंक्लूजन क्या कह रहा है राइटर का, वो कहता है यदि आप शिक्षित हैं और शिक्षित होना ही पड़ेगा आपको इन सब चीज़ों से अलग निकलने में, अलग हटने में आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो वास्तव में आप अंदर से बाहर, देखिए दो तरीके की ब्यूटी होती है, इनवर्डली और आउटवर्ड। आउटवर्ड ब्यूटी की तरफ सभी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन इनवर्ड ब्यूटी की तरफ कोई नहीं जाता। आदमी का रंग उसका फाइनल एवोल्यूशन नहीं होता, आदमी का रंग रूप ही उसकी पहचान नहीं होती, आदमी के गुण उसकी पहचान कराते हैं, उसके सही और गलत और उसके अच्छी पर्सनैलिटी को उसके गुण व्यक्त करते हैं, ना कि उसका ऊपर से दिखावा। लेकिन इस दुनिया में केवल एक है जो अंदर, जो इनवर्डली इंसान को इनवर्डली प्यार करता है वो है, और उसको समझता है, उसके मन की बातों को जानता है, वो है केवल ईश्वर। ईश्वर ऐसा है जो इंसान के अंदर से देखता है उसको, इनवर्डली वो रीड करता है कि इनवर्डली इंसान कैसा है। रंग रूप तो आज है, कल बुढ़ापा होगा, सब बेकार हो जाएगा, कहीं नहीं रहेगा, लेकिन गुण जो होते हैं इंसान के वो लाइफ टाइम, हमेशा उसके जाने के बाद भी हमेशा याद रखे जाते हैं। तो ये इस लाइन में आप समझे ज़रा कि यदि आप एजुकेटेड हो, आपको होना ही पड़ेगा ताकि आप क्या हो सकें, आप सुंदर हो सकें, हेल्दी, स्वस्थ रह सकें, सेन, आपका दिमाग स्वस्थ रह सके, रेशनल ह्यूमन बींग, और आप एक विवेकी इंसान बन जाएं, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाए, तो इसके लिए आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। नॉट अ ब्रूटल मैन, आप ऐसे क्रूर व्यक्ति ना बने। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत गजब की लाइन है, अंडरलाइन करें आप। नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, आप ऐसे क्रूर व्यक्ति ना बन जाएं जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत चालाक दिमाग वाले आप क्रूर इंसान ना बने। मतलब दिमाग तो चालाक है लेकिन क्रूरता यदि आपके अंदर है, ऐसे इंसान कभी ना बने। हु कैन आर्ग्यू, ऐसा इंसान क्या करता है, ऐसा इंसान बहस करता है, किसी चीज़ को बहस करता है, एंड डिफेंड इज ब्रूटैलिटी, और अपनी क्रूरता को छिपाने की, क्रूरता को डिफेंड करने की, क्रूरता को बचाने की हमेशा कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है आप ऐसे इंसान मत बन जाना, शिक्षित हो गए लेकिन यदि आपके अंदर क्रूरता आ गई और क्रूरता आने के बाद आपका क्लेवर ब्रेन है, चालाक दिमाग है, ऐसे इंसान मत बनो आप कभी भी। ऐसे इंसान बनोगे तो आपकी क्रूरता दिखेगी जो सामने वाले को परेशान करेगी, समाज को परेशान करेगी, ऐसे इंसान आप ना बने। इसके अलावा आप क्या करने लग जाओगे, यदि क्लेवर ब्रेन है तो आप क्या करोगे, यू कैन आर्ग्यू, तो ऐसा इंसान बहस कर सकता है, एंड डिफेंड इज ब्रूटैलिटी, और अपनी क्रूरता को बचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आप इस तरीके के इंसान ना बने। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, यू आर गोइंग टू, आपको भी सामना करना, देखिए यू आर गोइंग टू टेंस कराई थी मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराया था, मैंने कहा था ना भविष्य की चीज़ को, फ्यूचर को हम किससे शो कर सकते हैं, हम उसको शो कर सकते हैं किससे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो क्या कह रहा है वो, मैंने इसीलिए कहा था वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखते चलना, कि यू आर गोइंग टू फेस, आपको भी सामना करना पड़ेगा ऑल दिस वायलेंस, इस तरीके की जो हिंसा है इसका आपको भी सामना करना पड़ेगा एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको भी इस तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, यू विल फॉरगेट, आप सब भूल जाओगे आगे चल के, जैसे जैसे बड़े होंगे आप सब भूल जाओगे ऑल दैट, वो सभी बातें भूल जाओगे यू हैव हर्ड हियर, जो यहाँ पर आपने सुनी है, कि हम जो आपको बता रहे हैं इस समय सिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या चीज़ है, कैसे वायलेंस से बचना है, कैसे एजुकेशन का आपको यूज करना है, आप जैसे जैसे बड़े होंगे इन सब चीज़ों को आप भूलते चले जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे आप, एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप भी समाज की उसी धारा में शामिल हो जाओगे जैसा और लोग हैं, आप सब भूल जाओगे कि वास्तव में एजुकेशन का क्या मतलब होता है, और आप भी समाज में, समाज की जो धारा है उसमें जुड़ जाओगे और आप भी समाज में शामिल हो जाओगे। तो यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर एंड विल कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और आप पूरी तरीके से शामिल हो जाओगे इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, समाज की जो धारा है ना, जैसा समाज चल रहा है, जैसा समाज कर रहा है, समाज में यदि वायलेंस है, समाज में यदि हेट है, समाज में यदि एंटागोनिज्म है, तो आप भी उसी तरीके से समाज में शामिल हो जाओगे और उसी तरीके से आप रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, सब भूल जाओगे आप कि आपने यहाँ तक आपने क्या पढ़ा। इसीलिए मैंने पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या कहा था, पढ़ने के साथ साथ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सीखा क्या, आपने क्या ग्रास्प किया, क्या आपने एसिमिलेट किया, क्या अंदर गया आपके, और क्या आपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में क्या आपने पर चेंज किया। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं, यदि आप चैप्टर पढ़ने के बाद वायलेंस से बच रहे हैं, यदि आपने कंट्रोल कर लिया एंगर पर, इल मैनर्ड से बच गए आप, एंटागोनिज्म से बच गए, तो इसका मतलब वास्तव में आपने ऑन वायलेंस ढंग से पढ़ा है, अदरवाइज पढ़ना बेकार, इन माई ओपिनियन बेकार है पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने के बाद यदि आप समाज में वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। तो आप ये देखें कि ये चैप्टर हमें क्या सिखाने जा रहा है, आगे देखें, तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल हार्ड बिटर एंग्री वायलेंट वर्ल्ड। देखिए जरा साफ कह दिया राइटर ने, यू विल बिकम, तुम भी वैसे ही बन जाओगे, कैसे, लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, जैसे ही और निर्दयी लोग हैं, हार्ड कठोर लोग हैं, बिटर कड़वे लोग हैं, कटु लोग हैं, एंग्री क्रोधी लोग हैं, वायलेंट उग्र लोग हैं, और जैसी दुनिया है वैसे ही आप बन जाओगे, जैसी दुनिया है ना इस तरीके की वैसे आप भी बन जाओगे, एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, और उसके बाद बिल्कुल भी आप मदद नहीं कर पाओगे किस चीज़ में, टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, एक नया समाज बनाने में आप बिल्कुल ही मदद नहीं कर पाओगे, अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाने में आप मदद नहीं कर पाओगे। राइटर ये चाह रहा है कि जो दुनिया नफरत पर, ईर्ष्या पर, एंटागोनिज्म, ये सब जितनी भी बेकार चीज़ें जिस पर टिकी हुई है, जिसका बेस इस तरीके का है, जिस पर ये दुनिया टिकी हुई है, कोशिश कीजिए कि यदि आप शिक्षित हैं तो समाज में एक नया समाज बनाने की कोशिश कीजिए, एक ऐसा समाज जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो, इन सब चीज़ों से मुक्त हो, यदि आप उसमें शामिल हो गए तो ये समाज कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं आ पाएगा। सीधी सी बात है, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। यदि आपने वास्तव में चैप्टर इसको पढ़ा है तो आप निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे, और गौर करने के बाद आप अपने आप में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने रूटीन लाइफ में, जिससे कि आप एक अच्छा समाज बना सकें। एक अच्छा समाज बनेगा तो एक नई दुनिया सामने वाले को देखने को जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि यदि मुझे एक इंसान को अच्छा बनाने में मुझे 100,000 बार जन्म लेने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि मैं बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि यदि आप अच्छे हैं और आप बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, देखिए हम क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे हर तरीके के होते हैं, यदि हम भी उनकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर दें तो मतलब फिर हमारा एक परफेक्ट टीचर हम नहीं हैं। हमारा काम ये है उस बच्चे को हम पूछें, तेरी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को पूरी तरह डील करें और उसको कोशिश करें कि हम उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, उसको बदलें, और उसके बाद उसमें उसका जो कैरियर है उसको फ्रेम करवाने की कोशिश करें। तो ये सही मायने में हमारी एक जो हमारा प्रोफेशन है वो सही रहेगा, अदरवाइज एक टीचर परफेक्ट टीचर कभी हो ही नहीं सकता यदि वो बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता। आगे देखें जरा, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन राइटर कह रहा है लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है,
बहुत ज़रूरत है हमें अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया की हमें ज़रूरत है, एक नए संसार की हमें ज़रूरत है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति की भी हमें ज़रूरत है। जो संस्कृति हमारी नफ़रत पर, घृणा पर, क्रोध पर, रोदावाप पर, इन पर टिकी हुई है संस्कृति, उस संस्कृति में हमें बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, तो हमें एक नई संस्कृति की ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, जो पुरानी कल्चर है वो कैसी हो गई है, इज डेड, वो मृत है, बरीड, वो पूरी तरीके से दफन हो चुकी है, बर्न्ट, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बर्न्ट, उसको जला दिया गया है, बर्न्ट, बर्न किया, बर्न की थर्ड फॉर्म आई है बर्न्ट, पूरी तरीके से जल चुकी है। मैंने कहा ना थर्ड फॉर्म में काम की समाप्ति पाई जाती है, तो राइटर कह रहा है सब में, देखिए ध्यान से, डेड, बरीड, बर्न्ट, एक्सप्लोडेड, सब में कह रहा है सब हो चुका है उसका, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, दफन हो चुकी है, और एक्सप्लोडेड, विस्फोटित हो चुकी है, मतलब उसको एक तरीके से विस्फोट, एक्सप्लोड कर दिया गया है उसको, विस्फोट से खत्म कर दिया गया है। और वेपराइज्ड, वेपराइज्ड, वेपराइज्ड का मतलब होता है अस्पष्ट है, इस समय बिल्कुल अस्पष्ट है। जिस प्रकार से हम वेपर होती हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं, जब वो वेपराइज्ड होती हैं, जब वो बाष्पीकृत होती हैं, तो हमें दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से इसको वर्ब बनाया गया है, वेपराइज्ड हो चुकी है, क्या, ओल्ड कल्चर, पुरानी संस्कृति। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको हैव टू क्रिएट, आपको रचना करनी ही पड़ेगी, किसकी, अ न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति की रचना करनी ही पड़ेगी। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, नई सभ्यता आधारित नहीं हो सकती है, किसके, किस पर आधारित नहीं हो सकती है, ऑन वायलेंस, नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, बिल्कुल जोर देके कहा उसने कि यदि हम नई संस्कृति की रचना कर रहे हैं तो नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई सभ्यता आप पर निर्भर करती है, सभी पढ़ने वाले जितने भी नई जनरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि पुरानी जो सभ्यता है, पुरानी जो ओल्ड जो जनरेशन है, सॉरी, जो ओल्ड जनरेशन है, पुरानी जो पीढ़ी है, उसने क्या किया है, हैज बिल्ट अ सोसाइटी, उसने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पर आधारित है, जो हिंसा पर आधारित है। आपको उसमें परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है। आपने देखा होगा पुराने जो लोग थे, पहले समय के जो लोग थे, जिन्होंने नई जनरेशन को नफरत सिखा दी, हिंसा सिखा दी, मारकाट सिखा दी, आज आप देखते हैं कि जमीन के पीछे झगड़े हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लोग आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ये किसने सिखाया, ये हमारी कल्चर किस पर बेची थी, क्योंकि ये कल्चर हमारी बेची थी हिंसा पर, वायलेंस पर आधारित थी, इसलिए हमने वो चीज़ सीखी और हमने वही चीज़ को अपनाया और हमने भी वही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी जो कल्चर थी उसका जो आधार था, उसके जो पिलर्स थे, वो किस पिलर्स किसके बने हुए थे, वो पिलर्स बने हुए थे किसके, वायलेंस के, वो बने हुए थे हिंसा के, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और जब आप नया समाज बनाएं, नई संस्कृति बनाएं, तो उसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, मेन चीज़ इससे बचना है। यदि ये उसमें इन्वॉल्व हो गई फिर बेकार है, नई दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं है, कभी भी नया संसार, नई कल्चर कभी भी नहीं बन पाएगी। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो हमारी ओल्डर जनरेशन थी, पुरानी जो पीढ़ी थी, उसने एक ऐसे समाज का निर्माण किया बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, ये कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, एग्रेसिवनेस पर आधारित था। एंड इट इज़ दिस, इसी वजह से, इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी, बस यही एक सबसे बड़ा कारण था, इसी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, द ओल्डर जनरेशन, एंड इट इज़ दिस, इसी वजह से, यही कारण था, इसी वजह से दैट हैज़ कॉज्ड, सबसे बड़ा कारण बना किसका, कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, यही सबसे बड़ी बात थी इन सबके, ये जो इतना भी भ्रम फैला हम लोगों के मन में, ऑल द मिजरी, जो भी हमें पीड़ा मिली, जो भी भ्रमित हम हुए, भ्रम और पीड़ा जो हमें मिली, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, यही सब कुछ था, कि हमारी ओल्डर जनरेशन ने हमें एक ऐसी संस्कृति दे दी जिसका आधार वायलेंस था, जिसका आधार हिंसा थी। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, जो पुरानी पीढ़ी है, ओल्डर जनरेशन्स, जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं हमारी, हैव प्रोड्यूस्ड, उन्होंने बनाया है दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाया है। एंड यू हैव टू चेंज इट, लेकिन आपको इसको बदलना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज इट, आपको इसको बदलना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज इट,
यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप केवल बैठकर, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, आप ऐसा नहीं है आप पीछे बैठ जाएं एंड से और ये कह दें कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं तो आगे जो लोग चल रहे हैं उनका अनुसरण करूंगा, उनको फॉलो करूंगा। आप डायरेक्ट नहीं आना चाह रहे हैं सामने, आप क्या कह रहे हैं, बैठकर पीछे बैठ गए, आराम से पीछे बैठ गए। आप लीडर नहीं बनना चाह रहे हैं, आप फॉलोअर बनना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप लीडर नहीं बनना चाह रहे हैं, आप आगे आना ही नहीं चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, सब आगे आ जाएं, मैं पीछे बैठ जाऊं और सब मर जाएं, सब इसको वो कर लें और मैं, मेरा नाम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप केवल पीछे बैठकर और ये नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं तो और लोग हैं उनका अनुसरण करूंगा, एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और आप ये नहीं सोचें कि आप उसमें तलाश करें सफलता की एंड पोजीशन और पद की तलाश करने की आप चेष्टा ना करें, कोशिश ना करें, बिल्कुल भी मन में भी ना रखें इस चीज़ को, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए हर कोई आजकल की सोच क्या कहती है, आदमी की क्या सोच है, पहली दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के बार करना कि ये आगे रखो, ये मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बच जाऊँ, मुझे पद मिल जाए, मुझे सफलता मिल जाए। कहने का मतलब है भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा होना चाहिए, यानी कि भगत सिंह फांसी में लटके थे देश को बचाने के लिए, तो हर इंसान क्या सोचता है, एक भगत सिंह पैदा हो जाए लेकिन कहाँ, पड़ोस के घर में, वो मर जाए मैं बच जाऊँ, ये सोच अगर आप रखोगे तो क्या होगा, सुने ज़रा ध्यान से, कि यू मे हैव अ गुड टाइम, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन, तो मैं लोगों का अनुसरण करूंगा और मैं उसमें, आप क्या सोच रहे हैं बैठकर कि उसी में आप तलाश कर रहे हैं सफलता की और पद की तलाश कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। इफ़ यू डू, यदि आप ऐसा करेंगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आपके बच्चों को इसका क्या करना पड़ेगा, आपके बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू मे हैव अ गुड टाइम, हाँ हो सकता है आपका एक बार को वक्त बहुत अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन इन सब का इसकी इन सब की जो कीमत है वो आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। बच्चे आपके परेशान रहेंगे और बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप तो अच्छा समय मिल सकता है आपको, आप तो ये काम करके चले जाओगे, लेकिन आपके बच्चों को इसको इसकी कीमत पूरी पूरी चुकानी पड़ जाएगी, यानी कि सबको पता चलेगा कि इस बंदे ने दूसरों को आगे रखते हुए और सफलता का आनंद लिया, पद का आनंद लिया, लेकिन इसने आनंद लिया, आगे वाले लोग मर गए चले गए, उनको कोई याद करने वाला नहीं है, उनके ये बच्चे हैं, तो समाज बच्चों को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा, उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देगा, रिगार्ड नहीं देगा, बच्चों को इसका पूरी तरीके से इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो ऐसा ना सोचें कि मैं पीछे रहूं और पीछे रहकर सब मर जाएं और मुझे पद मिल जाए, सफलता मिल जाए, इस तरीके की सोच आप कभी भी ना रखें। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, अब देखना ये लाइन्स थोड़ा सा लिंक्ड करनी है मुझे, तो आप देखना जरा ध्यान से। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, तो आपको इन सब बातों को अपने इन सब बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये फ्रेज होती है ऑल दैट इन टू अकाउंट का मतलब विचार करना, तो आपको इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, मन में विचार करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रुएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, सबसे पहले आपको किसका ध्यान रखना है कि जो आउटवर्ड क्रुएलिटी है, बाहरी हिंसा, बाहरी क्रूरता ऑफ मैन टू मैन, इंसान की इंसान के प्रति भारी जो हिंसा है, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, सबसे पहली बात आई है कि भगवान के नाम पर इंसान की इंसान के साथ जो भारी हिंसा है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर जो क्रूरता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, जो आत्म महत्वता है, सेल्फ इम्पोर्टेंस है, मैं ही हूँ सब कुछ, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर, परिवार की सुरक्षा के नाम पर यदि आपको कोई आउटवर्ड क्रुएलिटी हो रही है, बाहरी हिंसा हो रही है, इन सब के नाम पर, तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको अपने मन में रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएलिटी एंड वायलेंस, आपको विचार करना पड़ेगा किसके ऊपर, द आउटवर्ड क्रुएलिटी, जो बाहरी जो क्रूरता है उस पर आपको पूरी तरीके से विचार करना पड़ेगा, एंड वायलेंस, और हिंसा पर विचार करना पड़ेगा, एंड द इनवर्ड वायलेंस, और सबसे बड़ी बात है आपकी जो आंतरिक हिंसा है उस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा, विच यू डोंट येट नो, जिसके बारे में आप अभी तक जानते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको पूरी तरीके से विचार करना पड़ेगा। तो क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, कहने का मतलब है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आदमी का लाइफ में एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ वो एजुकेशन
जो आपने वास्तव में ही उसका उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो कंक्लूजन है, क्या वो आपको शिक्षा बताने जा रही है, इन सब चीज़ों को यदि आपने पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित किया, एसिमिलेट किया है, तो आप वास्तव में शिक्षित हैं। यदि आप शिक्षित होने के बावजूद भी समाज की उस धारा में जुड़ रहे हैं जिस समाज में हिंसा, नफरत, क्रोध, घमंड, जितनी भी नेगेटिविटी फैली हुई है, ये सब चीज़ यदि आपके अंदर हैं, देन यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन, आप फिर बेकार हो गए आपका काम। यही राइटर हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे आपको कुछ स्टार्ट कराऊँ, आगे वाला पैराग्राफ स्टार्ट कराऊँ, थोड़ा सा आप इसको जब तक रीड करें। देखिए, आप यहाँ तक जो मैंने पैराग्राफ्स पढ़ाएं उसके वर्ड मीनिंग्स विशेष रूप से थोड़ा सा आप याद करके चलें, एक्सप्लेन मैंने किया है, उस चीज़ पर विचार करें। सही मायने में आप तभी पढ़ रहे हैं यदि आप उसमें से कुछ अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करें और उसके बाद आप उस पर विचार करें, अमल करें, तब जाके सही मायनों में आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मेरा एक्सप्लेन करना सब बेकार हो जाएगा यदि आपने अपनी रूटीन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इन सब चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा जो आपके लिए पूरे आगे तक के करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और पढ़ाई इस तरीके से करें कि वास्तव में हमें सीखने के लिए पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर लाइन्स हैं जो मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा है, उनको ज़रूर अंडरलाइन करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो वो सभी लाइन्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ते चलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।